गंगा यात्रा का दूसरा दिन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी के मुताबिक गढ़मुक्तेश्वर जाएंगे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद गंगा यात्रा के अगले पड़ाव अमरोहा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। यहां भी उनकी एक जनसभा होगी, जिसके बाद बुलंदशहर में नरौरा के बशी घाट में वो रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जोनल काउंसिल की बैठक में भाग लेने छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ जाने का कार्यक्रम है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का, लेकिन उससे पहले गढ़मुक्तेश्वर में वो इस गंगा यात्रा में एक बार फिर से शामिल होंगे। कल उन्होंने ही इस गंगा यात्रा का शुभारंभ किया और इस दौरान बताया जा रहा है कि एक जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करना है। तो यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी, गंगा यात्रा के अगले पड़ाव अमरोहा के लिए यहाँ पर रवाना किया जाएगा, लेकिन एक जनसभा भी की जानी है। और कहा जा रहा है कि बुलंदशहर में नरौरा के बशी घाट में वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो गंगा यात्रा, जिसका उद्देश्य जनता तक गंगा को किस तरह से स्वच्छ किया जाए, निर्मल किया जाए, उसके प्रति जागरूक करने की एक कोशिश, एक पहल के तौर पर इस गंगा यात्रा को देखा जा रहा है। 5 दिवसीय ये गंगा यात्रा है और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। नरेंद्र यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज दूसरा दिन इस गंगा यात्रा का और यहाँ पर कई जगहों से ये गंगा यात्रा गुजरेगी और घाटों से होकर गुजरेगी, जहां पर कई घाटों पर पहले से ही इंतजाम किए गए हैं। गंगा आरती विशेष, इसका मकसद यही है कि गंगा आरती की शुरुआत वहां पर की जाए। और क्या कुछ जानकारी आपके पास आज के लिए? देखिए, गंगा यात्रा का आज दूसरा दिन है, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर से लेकर के बंसी घाट नरौरा तक आज की यात्रा होगी। ये प्रथम गंगा यात्रा है जिसमें तमाम कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो स्वागत का कार्यक्रम होगा और जनसभाएं होंगी, गंगा की आरती की जाएगी और ये यात्रा आज जो है आगे बढ़ेगी। वहीं जो बलिया से यात्रा थी, बलिया की यात्रा भी आगे बढ़ेगी, करीब 100 किलोमीटर के आसपास यात्रा आगे बढ़ेगी। इस तरीके से देखा जाए तो जो कार्यक्रम कल शुरू किए गए थे उसको आगे बढ़ाया जाएगा और 2 दिवसीय यात्रा में जो यात्रा की जाएगी इसमें सड़क मार्ग से ही यात्रा की जाएगी। अगर बात की जाए द्वितीय यात्रा की तो गाजीपुर सैदापुर से होते हुए डुमरी, चंदौली और वाराणसी तक पहुंचेगी और ये इस तरीके से, और जो पहली यात्रा थी वहां से निकली थी, बिजनौर से निकली थी, ये आज हस्तिनापुर से गढ़मुक्तेश्वर तक जाएगी, जिसमें अमरोहा का अनूपशहर और बुलंदशहर का नरौरा होगा। इसमें तमाम मंत्री और स्थानीय प्रभारी मंत्री और तमाम अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे और इसके कार्यक्रम की रूपरेखा जैसा कि पहले बनाई गई थी उसी के अनुसार ये यात्रा चलेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तमाम कार्यक्रमों को करते हुए 31 तारीख को ये यात्रा दोनों तरफ से जो शुरू की गई है ये पहुंचेगी कानपुर और कानपुर में समापन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, यानी कि आज की तैयारियां भी जोरों पर है और खास तैयारी यहां पर की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।